नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए कि आने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन 403 में से 300 विधानसभा सीटें जीत सकता है, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और या बसपा के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पिछले महीने समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने चुनाव से पहले गठबंधन करने की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा था कि केवल विलय हो सकता है। उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलायम सिंह यादव और खुद अखिलेश यादव के साथ हुई मीटिंग के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि आखिरी फैसला मुलायम सिंह यादव ही लेंगे और वे सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि अगर वे लाभ और हानि के बारे में सोचते रहेंगे तो गठबंधन काम नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा सत्ता पर कब्जा करने के विवाद में नहीं है और वो अब उन्हें बुआ नहीं बुलाएंगे। दरअसल मायावती ने अखिलेश यादव द्वारा बुआ बुलाए जाने पर उन्हें भतीजा बुलाकर उनका मजाक उड़ाया था। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।